गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे जापान का संविधान। तो आपने पढ़ा है जापान के संविधान में नागरिकों का क्या अधिकार बताया गया है। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जापान में नागरिकों का अधिकार क्या क्या बताया गया है। सबसे पहला अधिकार बताया था समानता का अधिकार, और अगला बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्यूनतम जीवन स्तर, संपत्ति का अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, अन्य विविध अधिकार। यानी ये आपने अधिकारों के बारे में जापान के संविधान में पढ़ा था। अब आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है जापान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रदान की गई हैं वो क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी। जापानी संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार अन्य किसी भी संविधान की तुलना में अधिक व्यापक है। ठीक है, जापान में नागरिकों को न केवल राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यही नहीं है कि वहाँ पर राजनीतिक अधिकार ही नागरिकों को दिए गए हैं बल्कि क्या क्या है, आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी दिए गए हैं। काम पाने का अधिकार, श्रमिक संघों के मान्यता, शोषण के निषेध आदि महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार हैं। शिक्षा के अधिकार का ही परिणाम है कि वर्तमान में जापान में लगभग सभी व्यक्ति साक्षर हैं। यानी जापान का संविधान है उसमें अपन जो नागरिकों के कर्तव्य के विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ की जो नागरिकता है, वहाँ के जो नागरिक हैं वो सभी लगभग क्या है, साक्षर बताया गया है। वहाँ पे क्या, शिक्षा के अधिकार का ये सबसे बड़ा परिणाम है कि वहाँ की जनता लगभग सभी साक्षर है। प्रोक्ष रूप में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को रक्षक बनाया गया है। यानी रक्षा के लिए वहाँ भी क्या है, न्यायालय ही बताया गया, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता ली गई है, सर्वोच्च न्यायालय को ही मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। बल्कि अनुच्छेद 96 द्वारा संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, अतः शासन द्वारा अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट कहा गया है कि मौलिक मानवीय अधिकारों का उपभोग करने से किसी प्रजाजन को रोका नहीं जाएगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, 11 में लिखा हुआ है कि कोई भी मौलिक अधिकारों से वंचित किसी भी नागरिक को नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रजाजन को, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को अधिकार से अलग नहीं किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। ये मूलभूत मानवीय अधिकार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को उल्लंघनीय रूप से प्राप्त रहेंगे। यानी जो आने वाली पीढ़ी है, दर पीढ़ी है, ये अधिकार, ये कर्तव्य सभी को पूर्ण रूप से मिलेगा, उल्लंघनीय रूप में प्राप्त ही रहेगा। तो आलोचका को क्या कहना है कि प्राधिकारवाद की लंबी परंपरा रही है जो आज भी विद्यमान है। निरंतर राजतंत्र की सत्ता के समक्ष झुकने वाली नागरिक आज भी राजा को सूर्य भगवान का अवतार ही मानती है। आपने पढ़ा है कि जापान के संविधान को कौन सा संविधान कहा जाता है, सोवा संविधान माना गया है। वहाँ सूर्य देवता को, सूर्य की वंशज माना गया है, राजा को, सम्राट को किसकी वंशज माना है, सूर्य की वंशज माना है। तो आज भी क्या है, वहाँ की जो प्रजा है वो सूर्य भगवान का अवतार ही किसको मानते हैं, सम्राट को मानते हैं, तथा सरकार को उसके एजेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। अपनी स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु आज भी न्यायालय की शरण लेना अनुचित समझते हैं। ठीक है, आज भी बहुत जापानी नागरिक क्या है, मौलिक मानवीय अधिकारों से अपरिचित हैं। जापानी न्यायालयों का नागरिक जीवन में बहुत कम योगदान प्रतीत होता है। तो आपने ये पढ़ा है, इन सब आलोचकों के बावजूद भी क्या है कि जापानी अधिकार पत्र दृष्टिबाध करने से यह स्पष्ट है कि उसमें नागरिकों का सर्वांगीण विकास हेतु सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो ये आपने जो किया है अधिकार के बारे में नागरिकों का कर्तव्य है कि जिस भी देश में रहते हैं वो नागरिक अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। तो जापान के भी कुछ कर्तव्य बताए गए हैं अनुच्छेद 27 में काम पाने के अधिकार के साथ ही कहा गया है कि काम करना सभी व्यक्ति का कर्तव्य है। यानी सभी व्यक्ति जिस देश में रहते हैं
वह सभी व्यक्ति क्या करेंगे, अपना अपना कार्य अवश्य करेंगे। तो ये किस में, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद 27 में काम पाने का अधिकार के साथ भी कहा गया है कि काम करना सभी व्यक्तियों का क्या है, कर्तव्य बताया गया है। अनुच्छेद 30 के अनुसार, अनुच्छेद 30 के अनुसार विधि के अंतर्गत कर देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, काम भी करेगा और प्रत्येक व्यक्ति कर भी देगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत सारी इनकम हो रही है उसके बाद में भी वो क्या है, कर नहीं देगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को विधि के अंतर्गत क्या देना होगा, कर भी देने का कर्तव्य बताया गया है। सॉरी, अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी नागरिकों का यह भी कर्तव्य बताया गया है कि संरक्षण में विद्यमान सभी लड़के, लड़की तथा लड़कों को कानून द्वारा विविध साधारण शिक्षा दिलवाए। यानी शिक्षा का, शिक्षा जो एजुकेशन है वो भी सभी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को शिक्षित किया जाएगा। ये है क्या है, मूल कर्तव्य बताया गया है। तो जापान के संविधान में आपने जो पढ़ा है क्या, कि जापान के प्रदत्त अधिकार को लक्षण, कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं, कि जापानी संविधान द्वारा व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं, राजनीतिक अधिकार, साथ साथ में क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार भी क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। कि जापान में नागरिकों को प्रदत्त दो मौलिक अधिकार कौन से बताए गए हैं, कौन से हैं दो मौलिक अधिकार, कि जापान के दो मौलिक अधिकार, एक तो है कानून के समक्ष समता और दूसरा है स्वतंत्रता, शिक्षा, न्यूनतम जीवन का अधिकार। जापान के संविधान में किन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, कौन से कर्तव्य का उल्लेख किया गया है जापान के संविधान में, काम करने का और कर देने का, बच्चों को शिक्षा दिलवाने के कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। जापान के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हो, कि शोषण का विरुद्ध जो अधिकार से तात्पर्य यह बताया गया है कि नागरिकों से बलपूर्वक उनकी इच्छा के विरुद्ध श्रम नहीं लिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी इच्छा नहीं है और बिगर इच्छा के बलपूर्वक उससे कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये क्या दिया है, जापान में संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। जापान के संविधान में समानता के अधिकार से आप क्या समझ रहे थे, कि समानता के अधिकार से यही बताया गया है कि जैसे रंग, जाति, लिंग अथवा सामाजिक स्तर के आधार पर क्या है, राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, चाहे वो कैसे काला हो चाहे गोरा हो, यानी जाति को लेके, रंग को लेके, लिंग को लेके किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं देखने को मिलेगा सभी के साथ, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि में हो, चाहे वो आर्थिक हो और चाहे वो सार्वजनिक जीवन में जी रहा हो, लेकिन सभी स्तर के ऊपर उनको एक भेदभाव से नहीं देखा जाएगा, एक समान दृष्टि से ही व्यवहार किया जाएगा। जापान के संविधान संपत्ति के अधिकार से आप क्या समझ रहे थे, लोगों की संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन क्या है, बिना मुआवजे दिए किसी की भी संपत्ति को राज्य हस्तगत नहीं करेगी, यानी उसको स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए हर व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो इसलिए अपन ने जापान के संविधान में काफ़ी, जापान के संविधान की विशेषताएं भी पढ़ी हैं और अधिकार और कर्तव्य के बारे में भी अपन ने पढ़ा है। तो जापान का संविधान भी कैसा संविधान बताया गया है, कि जापान का संविधान भी कठोर संविधान है। कठोर संविधान से तात्पर्य यही बताया गया है कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जापान के संविधान में अपन ने कहीं संशोधन देखा ही नहीं है, तो इसी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जापान का संविधान सभी देशों से सबसे ज़्यादा कठोर संविधान बताया गया है। जापान के संविधान में सबसे ज़्यादा कोई भी मतलब जनता है वो निरक्षर नहीं है, साक्षर है, साक्षर होने का भी वहाँ का जो है वो कारण है वो अच्छा है, और वहाँ की जो नागरिकता है वो सम्राट को क्या मानती है, सूर्य का वंशज मानती है, और सूर्य के आधार पे उनको क्या करती है, एक प्रणाम करके उनके ही समरक्ष में रह के कार्य को करती है।